छोटे बच्चों को अपने कज़न से मिलने का, अपने मामा भुआ और दादी नानी से मिलने का बहुत ही शौक रहता है। वो चाहते हैं कि अपनी छुट्टियां बिताने के लिए वो कहीं ना कहीं ऐसी ही वैकेशंस के लिए वहां पर जाए। और हम भी जब छोटे थे तब और अभी जो छोटे बच्चे हैं वह भी, उनको भी पसंद रहता है कि वह छुट्टियां बिताने के लिए अपनी मौसी के यहाँ, भुआ के यहाँ, नाना नानी के यहाँ पर या मामा मामे के वहाँ पर जाए। तो ऐसी ही हम एक कहानी आज आपके बीच लेकर आए हैं। मृदु नाम की लड़की है और वह है अपनी दादा दादी के साथ रहती थी, जो कि मद्रास, अभी जो चेन्नई के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर रहती थी। और वह अपनी कजन्स लाली, रवि और मीना से मिलने के लिए एक दोपहर को जाते हैं। तो देखिए, वहाँ जब जाते हैं कोई एक जगह से दूसरी जगह, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम साथ में लेके जाते हैं, जो नॉलेज हम उन्हें देते हैं और उनसे भी हम कुछ नॉलेज जो है लेते हैं। तो ऐसी ही कोई घटना होती है वहाँ पर जिसको हम यादगार बना देते हैं या फिर वो यादगार बन जाती है। तो इसी कहानी के अंदर में आपको ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, जिस कहानी का नाम है, इसको मैं आपको आज शेयर करने वाला हूँ। मैं शुभम कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर, रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इन टू द हाउस। जैसे ही वह मृदु उनके घर पर जाती है अपने कजन्स के घर पर, तो रुकुमनी जो है वो दरवाजे को खोलती है और रवि और मीना एकदम दौड़ते हुए बाहर आते हैं कि मृदु आई है। उसे लेकर वो घसीटते हुए यानी कि खींचते हुए अंदर लेके जाते हैं कि चलो 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 अंदर चलते हैं फटाफट से। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। और मृदु कहती है कि मुझे अपना स्लीपर तो खोलने दो कम से कम। प्रोटेस्ट मधु, और वो विरोध करते हुए रुकती है और अपने स्लीपर्स को सेट, शी सेट देम आउट नियरली नीटली नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। और अपने जो स्लीपर से उन्हें पास में जो लार्ज बड़े जो स्लीपर्स पड़े थे ब्लैक कलर के, उनके पास में बिल्कुल वहाँ पर खोलती है। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट, और जो कि ग्रे यानी स्लेटी कलर के हो चुके थे, वास्तव में वो धूल की वजह से जो स्लेटी कलर के दिख रहे थे। यू कुड सी ए क्लियर मार्क ऑफ एवरी टॉय, टॉय होती है अंगूठे के निशान, पैर की उंगलियों के निशान, आप उन पर जो है ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर, उन स्लीपर्स के ऊपर जो बगल में पड़ी थी वहाँ पर उन पे आगे की जो उंगलियों के निशान अच्छे से देख सकते थे, ऐसी थी वो। द मार्क ऑफ द टू बिग टॉयज, यानी कि दोनों पैर के अंगूठों के निशान बिग टॉयज वर लॉन्ग एंड स्क्रीनी, और जो अंगूठे के निशान थे वो दुबले पतले लंबे अंगूठे के निशान उस पर बने हुए थे उन दोनों स्लीपर्स के ऊपर। मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हूज स्लीपर दे वर, और वह इसके लिए वो बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं किया कि ये किसके स्लीपर्स हैं। बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड, क्योंकि रवि उसे खींचते हुए कहाँ लेके चला गया, बैकयार्ड में यानी कि पीछे की ओर, बिहाइंड ए थिक बिटर बेरी बश, जहाँ पर क्या था, एक बिटर यानी कि कड़वा, बेरी यानी कि बेर का झाड़ी थी वहाँ पे, कड़वे बेर की झाड़ी जहाँ पर थी। देयर इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल लाइन विथ सेकिंग एंड फील्ड विथ सैंड, और जहाँ पर कि टॉर्न होता है फटे हुए, ठीक है, फटे हुए फुटबॉल पड़ा हुआ था, लाइन विथ सेकिंग एंड फील्ड विथ सैंड, और धूल से सटी हुई एक बोरी पड़ी हुई थी वहाँ पे, टाट पड़ा हुआ था। ले ए वेरी स्मॉल किटन, किटन होती है एक बिल्ली का बच्चा, और ले यानी कि सोया हुआ था वहाँ पर एक छोटे से बिल्ली का बच्चा। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ शेल, कोकोनट होता है नारियल, नारियल का जो आधे खोल होती है उसकी हाफ शेल, उसके अंदर जो है वो मिल्क को लैपिंग कर रहा था यानी कि जिप से उसको पी रहा था चाटते हुए। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, और उसने क्या कहा रवि ने कि हमने इसे फाउंड यानी हमें यह मिला है आउटसाइड द गेट इन द दिस मॉर्निंग, आज ही सुबह है ये बाहर गेट से मिला है। ही वॉज मीविंग मीविंग, और वह म्याऊ म्याऊ कर रहा था, पुअर थिंग, वह देख रहे हैं ये जो झाड़ी है, झाड़ी के नीचे ये फुटबॉल के फटे हुए टाट के ऊपर बिल्ली का बच्चा बैठा हुआ है और नारियल की खोल के अंदर से मिल्क जो है पी रहा है। अब मीना कहती है, देखिए मीना सेड इट्स ए सीक्रेट, यह एक रहस्य है। अम्मा सेज, अम्मा कहती है कि पाती विल है लीव फॉर अवर पुद्दू मम्माज हाउस इफ शी नोज वी हैव ए कैट,
उसकी अम्मा क्या कहती है कि पाती जो है उसकी पाती होती है दादी माँ, ग्रैंड मदर इन तमिल, तमिल के अंदर जो ग्रैंड मदर यानी कि दादी होती है उसे पाती कहा जाता है। वो चली जाएगी पुद्दू मामा के वहां अगर उन्हें पता चल जाएगा कि उनके पास क्या है, एक बिल्ली का बच्चा है। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स, और लोग हमेशा कहते हैं कि हमें जो है एनिमल्स के प्रति काइंड यानी दयालु होना चाहिए, लेकिन बट वेन वी आर जब हम होते हैं दे स्क्रीम, और वो क्या करते हैं वो चिल्लाते हैं, ओ डिड नॉट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, और क्या कहते हैं कि इस डर्टी इस गंदे प्राणी को यहाँ से हटाओ, यहाँ मत लेके आओ। सेड रवि डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किटन, और तुम्हें पता है कि एक छोटे से बच्चे के लिए दूध लेकर आना, मिल्क उसके लिए कितना किचन से कितना मुश्किल भरा काम है। पाती सा मी विथ ए ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, पाती उसकी जो दादी है उसने उसे देख लिया था उसके हाथ में दूध का गिलास लिए हुए। फिर क्या हुआ देखिए, वो उस बिल्ली के बच्चे के लिए दूध किस प्रकार लेके आया है वो बता रहा है, कौन बता रहा है, रवि बता रहा है। पाती सा मी विथ ए ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, अभी अभी उसने मेरे हाथ में ग्लास देख लिया था। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, और उसने क्या कहा, मैं बहुत ही भूखा हूँ, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं इसे मुझे इस मिल्क को पीना है। बट द वे शी लुक्ड एट मी, लेकिन वो उसे देखती रही, कौन, उसकी दादी। आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, और उसको बहुत सारा दूध जो है उसमें से पीना पड़ा जब तक कि उसको वो साइड में उसकी पाती जो है उसकी दादी उसे साइड में चली नहीं जाए तब तक उसे वो घूरती रही उसे कि ये कहीं कहीं और तो नहीं लेके जा रहा है, इतना दूध ऐसे तो पीता नहीं है, आज कैसे पी रहा है, तो उसके लिए वो उसे घूरती रही और उसे बचने के लिए वो बहुत सारा दूध पी चुका था। देन शी वॉन्टेड टू थम्बलर बैक, क्योंकि पाती वहाँ खड़ी रही क्योंकि उसे थम्बलर जो है वो दूध का गिलास है वो वापस चाहिए था। तो फिर वो क्या आइडिया लगाता है कि पाती पाती आई हैव वॉश्ड इट माई सेल्फ, उसने क्या कहा कि दादी मैं इसे खुद ही धो लूंगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, मैं तुम्हें प्रॉब्लम में नहीं डाल सकता, आप फिक्र मत कीजिए, मैं खुद ही इसे, आई टोल्ड हर, मैंने उन्हें कहा कि मैं ही इस गिलास को धो के रख दूंगा। आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इन टू द कोकोनट शेल एंड देन रन बैक एंड वॉश द थम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर शी गोट रियली सस्पेशियस, सस्पेशियस संदेह। और उसने क्या किया कि उसको जो फटाफट दौड़ कर आया और कोकोनट शेल के अंदर दूध को उड़ेल दिया और उस थम्बलर को वापस से उस जगह यथावत रख के आ गया जब उनको दादी को जो है संदेह होने से पहले ही। नाउ वी हैव टू थिंक सम अदर वे टू फीड महेंद्रन, और अब उन्हें दूसरा तरीका देखना होगा महेंद्रन को फीड करने का यानी उसे दूध पिलाने का। ठीक है, महेंद्रन दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन, उसने क्या कहा कि इसका नाम जो है क्या है, महेंद्रन। मृदु वाज इम्प्रेस्ड, प्रभावित हो गई कि अरे वाह इसका नाम महेंद्र, इट वाज रियल नेम नॉट जस्ट ए क्यूटी किटी कैट नेम, यानी कि यह तो एक रियल नाम लगता है, क्या यह इसी का नाम है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पुल्लव पुनई, और वो क्या कहता है कि वास्तव में इसका पूरा जो नाम है वो है महेंद्र वर्मा पुल्लव पुनई, शॉर्ट में हम कह सकते हैं एमपी पुनई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक। ही इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, और यह है एक अच्छी नस्ल का जो बिल्ली का बच्चा है। जस्ट लुक एट हिज फुर, और उसके बाल देखिए, लाइक ए लायंस मैन, जैसे कि लायन के गर्दन पे शेर के गर्दन के जो बाल होते हैं वैसे इसके बाल दिखाई देते हैं। एंड यू नो व्हाट द एम्बल्ब ऑफ द एंशिएंट पल्लव किंग वाज, और क्या तुम्हें पता है कि पल्लव किंग है उनका प्रतीक एम्बल्ब यानी कि उसका प्रतीक क्या था। ठीक है, जो प्राचीन में जो एंशिएंट पल्लव किंग्स थे, प्राचीन पल्लव किंग्स थे, उनका प्रतीक एम्बल्ब क्या था। Don't you, if looked expectantly at Mradu, Mradu giggled, और उसने उसकी तरफ देखा मृदु की तरफ और मृदु जो है वो मुस्कुराई और उसके एकदम से giggling यानी कि अजीब तरीके से मुस्कुराना, उसे क्या लगा, Think I am joking, क्या तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। Well, just wait, ठीक है तो रुको, I will show you something, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। It's clear you don't know things about history, और इसका मतलब साफ है कि तुम्हें इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता। हैव नॉट बीन टू महाबलीपुरम,
यू हैव, और तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गई हो। ही सेड मिस्टीरियसली, और उसने रहस्यमय तरीके से कहा, वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई सा ए स्टेचू ऑफ हिज थाटास 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उसने कहा कि जब हमारी क्लास जो है महाबलीपुरम गई थी, तब मैंने इसके दादा के दादा के दादा के दादा का फोटो देखा था। फैक्ट इज महेंद्र इज डिस्केंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंसेस्ट कैट। और ये जो महेंद्रन जो है वह जो है एक इन्हीं का उत्पन्न हुआ हुआ है, इन्हीं बिल्ली से उत्पन्न हुआ है, एक क्लोज रिलेटिव जो कि इसका क्लोज यानी कि बहुत ही समीप रिश्तेदार है उसी किसे, उसी कैट से जो उसने महाबलीपुरम में देखा था। साइंटिफिकली स्पीकिंग, वैज्ञानिक तरीके से बोलना है तो ऑफ नन अनादर देन द लायन, अगर साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से बात करें तो यह एक शेर की ही प्रजाति है जो बिल्ली है। द पल्लव लायन एम्बल्ब ऑफ द पल्लव डेंसिटी, जो एम्बल्ब होता है क्या होता है, प्रतीक, जो पल्लव लायन थे उनका प्रतीक क्या था, उन्हीं के ये वंशज हैं। ठीक है, रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बीटर बेरी बश, और रवि रुकता है और उस कड़वे बेरी के झाड़ी की ओर जाता है। वेविंग ए ट्विंग अप एंड डाउन, और ट्विंग जो है एक टहनी जो है वो हिल रही थी, ऊपर नीचे हो रही थी। हिज आई स्पार्किंग, उसकी आंखें जो चमक रही थी। दिस कैट इज ए डिस्कंटेंट ऑफ नन अनदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और ये जो थी यह उसी की वंशज थी जो ऋषि कैट थी, उसी की जो महाबलीपुरम में जो ऋषि कैट थी उन्हीं की यह वंशज है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, और मैं तुम्हें यदि बताऊं तो दे वर्शिप्ड कैट्स इज एंसेंट इजिप्ट, और मिस्र में बिल्लियों की जो है वर्शिप यानी कि पूजा की जाती है। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, और अपनी आवाज से कितना प्रेम करता था। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक, व्हाट डज दैट हैव टू डू विथ एनीथिंग, मृदु डिमांडेड, और उसने कहा कि हमें इससे क्या लेना देना है, वो बोले कुछ भी करे। आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिस्केंडेड फ्रॉम द इजिप्ट कैन गॉड कैट गॉड नो गॉडेस बेस्टेड, और उसने कहा कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि बिल्ली मिस्र के बिल्ली देवता से उत्पन्न हुई है, नहीं देवी बेस्टेट, हाँ यही बेस्टेट या दैट इज सो, इसलिए क्या, इसलिए। वेल वन ऑफ द डिस्केंडेंट ऑफ दैट कैट गॉडेस वाज स्टोवे इन वन ऑफ द पल्लव शिप्स, एंड हिज डिस्केंडेंट होते हैं वंशज, वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और ये जो है बिल्लिया ये उन महाबलीपुरम के पल्लव शिप्स के अंदर यात्राएं करती थी, और यह उन्हीं की ऋषि कैट की जो है वंशज है। रवि फ्लोरिस्ट हिज ट्विंग एट महेंद्रन, और फ्लोरिस्ट यानी अपनी जो छड़ी थी उसने उसकी तरफ लहराई महेंद्रन की तरफ। एम पी पुन्नई हियर हु एक ये श्रिंकल्ड, ही श्रिंकल्ड वेरी pleased with himself, और उसे देखकर वह बहुत ही प्रसन्न था। महेंद्र looked up alarmed, he had just been sharpening his claw on the edge of the coconut shell, और महेंद्र जो है वो अलार्म महसूस कर रहा था और वह अपने जो पंजों को है उस खोल से शार्प यानी तीखे कर रहा था। बट वॉर्स देन रवीज, और उसमें क्रिस क्रिस की आवाज आ रही थी। बट वॉर्स देन रवीज अवफुल ऑफ एक वाज ए क्रिच, और इससे भी ज़्यादा जो भयानक आवाज़ आ रही थी वो थी फ्रॉम द विंडो, इस क्रिच क्रिच की आवाज़ से भी ज़्यादा भयानक आवाज़ कहाँ से आ रही थी, विंडो से आ रही थी। वाट आई वरीड साउंड, वाट ए वायर्ड साउंड, और जो कि बहुत ही वायर्ड यानी कि अजीब तरह की साउंड आ रही थी, वायर्ड यानी अजीब। इफ मृदु वाज स्टार्टल, और मृदु भी हैरान हुई उसे सुनकर। एम पी पुणे वाज फ्रिटेंड आउट ऑफ हिज विट्स, जो एमपी जो पुणे थे वो भी डरा हुआ था, विट्स होती है चतुराई से। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, ही बाउंस्ड अप एंड स्क्रीइंग टुवर्ड्स ए बंबू ट्रे ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट आउट द ड्राई, और वह जो है वहां से छिपने का प्रयास कर रहा था, सामने एक म्याऊ म्याऊ की आवाज निकाल रहा था और उसके बाल खड़े हो चुके थे, और वह ऊपर उछलकर जो पास में एक बांस की एक ट्रे के ऊपर मिर्च जो थी वो सूखने के लिए रखी गई थी उस पर से
उसने उलट दी थी, क्या कर दी थी, उलट दी थी उसने। That had been set out to dry, trying to hide beneath it. He tripped a few chilies off over himself. और अपने ऊपर उसने चिलीज होती मिर्च जो थी वो अपने ऊपर उसने डाल ली थी। मियाओ, he howled miserably. और उसने एकदम दयनीयता से आवाज निकाल रहा था, कैसे, दयनीय भाव से मियाओ मियाओ करके वो बोल रहा था। The creaking went on and on. और जो क्रिकिंग क्रिच की आवाज जो है दरवाजे की, क्रिच की आवाज होती रही थी। मृदु ने कहा, देखिए क्या कहा मृदु ने, वॉज नॉट दैट नॉइज सेड मृदु। और यहाँ कोई किसका शोर है, ये कौन सी आवाज आ रही है। दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वॉयलन। और वो कह रही है कि लाली जो है वो वॉयलन सीख रही है। ग्रांटेड रवि, रवि ने कहा कि लाली जो है वॉयलन सीख रही है। शी विल नेवर लर्न ए थिंग, द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन। देखिए जो मास्टर है, उनको मास्टर जी जो उन्हें सिखा रहे हैं संगीत, वो एक ऐसा लगता है जैसे कि कोई रेलगाड़ी सनसनाते हुए तेजी से जा रही हो, है ना। बट विल लाली ऑल द टाइम डेयरलिंग गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक। और जो लाली है वो ऐसे चलाती है जैसे कि रेलगाड़ी पटरी से उतर गई हो, वो पूरी तरीके से रास्ते से अलग ही जा रही हो, ऑफ ट्रैक जा रही हो, ट्रैक पे नहीं जा रही हो। यानी कि हमने देखा है कि एक तो वहाँ क्रिच क्रिच की आवाज़ आ रही है और वो उससे वॉयलेंस से डर रहा है। किससे डर रहा है वो, उस वॉयलेंस की आवाज़ से डर रहा है जो विंडो से आ रही थी पास वाली से, जहाँ पर लाली जो है क्या सीख रही थी, वो म्यूजिक सीख रही थी, वॉयलेंस बजाना सीख रही थी। तो हमने इस कहानी में क्या देखा कि जो मृदु है वो किससे मिलने आई है, अपने कज़न से मिलने आई है, रवि मीना और लाली से मिलने आई है। और जैसे वहाँ जाती है लाली जो है, वो मृदु वहाँ पर जाती है, उसे रवि और मीना एकदम खींचते हुए अंदर ले जाते हैं। उन्हें केट के बारे में बताते हैं, जो केट का नाम क्या महेंद्रन बताते हैं, ठीक है, एमपी पुणे उसका शॉर्ट नाम है, और उसकी इतिहास के बारे में इस लाली को बताते हैं। फिर वो क्रिच क्रिच करके किस तरीके से वो दूध लेके आया था इसके बारे में जानकारी उसे मृदु को बताते हैं। फिर क्रिच क्रिच की आवाज़ जो कि खिड़की से आ रही थी उससे वो डर के, वो बच्चा जो केट का था वो भी इधर उधर भाग रहा था, और जो लाली थी वो क्या कर रही थी वहाँ पे, वॉयलिन चलाना सीख रही थी, वॉयलिन बजाना एक म्यूजिक टीचर के साथ सीख रही थी, और टीचर उसे सिखा रहे थे। वो कैसे कर रहे थे, जब वो टीचर बजाते थे वॉयलिन तो ऐसा लगता था रेलगाड़ी चल रही हो, और जब वो उसकी जो स्टूडेंट है, कौन स्टूडेंट, लाली, वो बजाती थी तो कैसा लगता था जैसे कि गाड़ी पटरी से उतर गई हो और ऐसे ऑफ ट्रैक चल रही हो, वैसी आवाज़ आती थी। तो ये था कहानी में, इससे आगे हम सेकेंड पार्ट अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।